नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रचारक कहते हैं कि इन लोगों को अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस को समर्पित कर दी जाए। जब वे घर घर जाते होंगे तो क्या कहते होंगे, कैसे जनता का सामना करते होंगे। जिस आदमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले 70,000 करोड़ के घोटाले आरोप लगाया, सभी बीजेपी और आरएसएस लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार प्रसार किया। 5 दिन बाद में पीएम मोदी ने उस आदमी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि पूछना चाहता हूं आरएसएस और बीजेपी वालों से, जब आप अपनी घर और मोहल्ले में जाएंगे तो क्या कहेंगे। पूर्व सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे आरएसएस वालों पर ज्यादा दया आती है। उन्होंने पूरी जिंदगी आरएसएस को दी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलती। दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने वालों को चुनाव के लिए टिकट दिया जाता है। आरएसएस वाले अब सिर्फ दरिया बिछाते हैं, कभी बीजेपी के लिए, कभी एनसीपी और शिवसेना के आए नेताओं के लिए, तो कभी किसी नेता के लिए, कभी किसी नेता के लिए। वहीं केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग करने पर आरोप लगाए कि उन्होंने कहा कि 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 5 दिन बाद 2 जुलाई को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इस तरह के 25 लोगों को प्रधानमंत्री ने बीजेपी में शामिल कराया। इतना ही नहीं, बीजेपी में आने के बाद इन लोगों का केस भी बंद हो गया। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। सत्ता को शर्म आती है? चलो, हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसे ऐसी पार्टी में आप लोगों? 22 जुलाई 2015 को देश प्रदेश की हर खबर पहले आप तक पहुंचे, देखते रहिए अनोखी आवाज।